हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है। ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूँ। और ये मैंने इंसेक्ट के लिए थोड़ा सा मंगवाया था, चिपकू इको कंपनी का है, स्ट्रिकी ट्रैप। और ये मेरा टोटल जो कॉस्ट इसका आया था, इसमें 25-25 ट्रैप हैं, 4 ब्लू हैं, बाकी येलो हैं और एक ये है पैकेट। ये टोटल मेरा 412 रुपये का पड़ा था। साइज़ तो इसका ठीक है, बाकी ये थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े जो रहते हैं उनको थोड़ा सा, इंसेक्ट वगैरह को थोड़ा सा ये प्लांट्स को बचा लेगा, क्योंकि फरवरी में अब कीड़े लगने का समय आ ही चुका है। तो इससे पहले कि प्लांट्स काफ़ी हद तक डैमेज ये करें, तो इससे पहले इनको लगा देंगे, तो थोड़ा सा देखते हैं किसका क्या जाता है, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा या बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा। अभी मेरे को कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसमें तार आया है जो इसको बांधने के लिए है, इस तरह से इसको बांध दिया जाएगा। और ये दो पैकेट मेरे पड़े थे 412 रुपए के, इसमें डिलीवरी चार्ज शामिल है। ये 25-25 का है, टोटल 50 हैं। अब इनको देखते हैं कि गोंद इनका कितने समय तक रुका रहता है और कितने समय तक चलता है। अभी बाकी इसका जो हमने देखा था तो हमें तो सही लगा था कि चलो ठीक है, देखते हैं। अब ज़्यादा बड़ी छत तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी थोड़ा बहुत अगर बचाव इससे होता है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, और इसको लगाना कैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए एक यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है इसको, एक यहाँ पे इंस्टॉल है, इसको इस तरह से लगा दिया है। ये आगे पीछे दोनों तरफ चिपक सकता है, और यहाँ पे लगा दिया है इसको। प्लांट्स की हाइट के हिसाब से लगाना है। ये देखिए एक यहाँ पे लगा दिया है, टोटल 4 लगाए हैं। अब देखते हैं इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। या बाकी इसका चिपकने का प्रोसेस तो बहुत तेज़ था, पूरे हाथ ख़राब हो गए, चूँकि उसमें लिखा था मिट्टी के तेल का उपयोग करें केरोसिन का, तो उससे खैर वो छूटा, लेकिन साबुन वगैरह वैसे लगा रहा था तो नहीं छूट रहा था। तो गोंद तो इसका भाई बहुत हार्ड है कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, मतलब उस हिसाब से जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए मेरा एक फ्लावर खिला है। बाकी थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।